मानसून को लेकर आपको अपडेट देते हैं। प्रदेश में एक्टिव होगा एक और नया मानसून स्पेल। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से बारिश होगी। आज और कल पूर्वी राजस्थान से कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर सहित भरतपुर संभाग में बारिश होगी। 7 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश होने की संभावना। वहीं 6-7 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में बारिश होगी। जोधपुर और बीकानेर संभाग में मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा। तो मानसून को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदेश में एक और नया मानसून स्पेल एक्टिव हो रहा है, क्योंकि मानसून की गतिविधियों की अब जानकारी लगातार फर्स्ट इंडिया के जरिए आप देख पाते हैं। हालांकि 2-3 दिन से भीषण उमस और गर्मी का एहसास खासतौर पर राजधानी जयपुर के बाशिंदों को करना पड़ रहा था, क्योंकि बारिश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब संभवतः बारिश का ये इंतजार एक बार फिर से कम हो जाएगा, क्योंकि तेज गर्मी और उमस की वजह से हाल बेहाल थे। जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी की है। जो नया मानसून स्पेल अब आने वाला है उसको लेकर के मानसून को लेकर ये बेसिकली अपडेट है। आज और कल पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर सहित भरतपुर संभाग में बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं 6-7 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में इस बारिश की तस्वीरें सामने आई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, बारिश का इंतजार जयपुर के बाशिंदे खासतौर पर कर रहे हैं। बढ़ी हुई गर्मी और उमस के बाद एक बार फिर से नया मानसून स्पेल एक्टिव होने वाला है, क्या जानकारी मौसम विभाग दे रहा है उसको लेकर? देखिएगा, जो बंगाल जो पूर्वी हवाएं आ रही हैं, उन पूर्वी हवाओं की वजह से एक नया मानसून का स्पेल एक्टिव होने वाला है। और नतीजा ये रहता है कि आज देर रात्रि से मौसम फिर से करवट लेगा। 6 और 7 जुलाई को राजस्थान के अलग अलग इलाकों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश हो सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां पे बारिश की चेतावनी दी गई है, और 5 की रात को और 6 और 7 को भारी बारिश की चेतावनी पूर्वी राजस्थान में दी गई है। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी बीकानेर और कई ऐसे किले हैं वहाँ पर भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि मानसून जिस तरह से आया और आने के बाद जो बारिश हुई उसने पूरे राजस्थान को फिलहाल कवर कर लिया है। मानसून की जो ड्रफ लाइन है इस वक्त उसने हिमालय के आसपास बनी हुई है, जो खिसक कर थोड़ी दिन के अंदर शिफ्ट होकर मध्य भारत तक हो जाएगी। उसके बाद फिर से मानसून एक्टिव होगा और फिर बारिश होना शुरू हो जाएगी। चूंकि अगर अब तक बात की जाए मानसून की, तो लगभग अंदाजा ये है कि 150% ज्यादा बारिश मानसून की राजस्थान के अंदर अब तक हो चुकी है, जो कि अपने आप के अंदर रिकॉर्ड है। क्योंकि 150% ज्यादा बारिश होना ऐसे के अंदर काफी राहत भरी बात है। और कई तालाब ऐसे हैं जो बांध ऐसे हैं जो अब तक कई अपनी जो भराव क्षमता के करीब पहुंच चुके हैं, कई भरने वाले हैं। ऐसे में राहत वाली बात भी है कि किसानों को सिंचाई के साथ साथ पीने का पानी भी मुहैया होगा। लेकिन उन सबके बीच उम्मीद यही है कि आसमान से जल्द ही राहत भरी बारिश भी होगी, जिससे लोगों को इस गर्मी से निजात मिलेगी। ठीक है जियाउद्दीन, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।